हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और फिलहाल तो बज रहे हैं 11:30 और आज हम जा रहे हैं एक क्रिएटर से मिलने, जो कि भीलवाड़ा से ही हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे मिलने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे मिलना है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, हम बात करते हैं और मिलने की प्लानिंग करते हैं। तो आज फाइनली हमने मिलने का प्लान रखा है। बट वहाँ जाने से पहले मेरे पास एक काम है जो कि मुझे करना है आज के आज, और वो ये है कि मेरी मम्मी का आधार कार्ड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, उसमें करेक्शन कराना है। तो इसके लिए पहले वो काम कराएंगे, उसके बाद हम उनसे मिलने जाएंगे। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी हम चल रहे हैं रास्ते पे, इस रोड से होते हुए हम जा रहे हैं। 2 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 2 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड, अपनी मम्मी का आधार कार्ड सही कराने वाला हूँ। आधार सेवा केंद्र ऐसी कुछ है। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं पांसल चौराहे पर, जिसको महाराणा प्रताप सर्किल भी बोलते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ लेबर ऑफिस, जहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड ठीक करवाऊँगा। और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे मित्र बैठते हैं जो ये काम करते हैं, फिर भी टाइम लगता है। तो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अभी बज रहे हैं 12:30 और काम नहीं हुआ। थोड़ा काम में बहुत ज़्यादा लफड़े पड़ रहे हैं। और वो ये है कि इसमें क्या लिमिट होती है, 2 बार अगर आपने अपडेट करा दिया तो वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। फिर बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आओ, देन जाके ये चीज़ें होती हैं। लेकिन काम होगा, मंडे को आना पड़ेगा। अंदर जो हमारे मित्र बैठे हैं ना, कन्हैया जी और राम जी, हैं बहुत बढ़िया इंसान। बोलते तुम्हारा काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यूट्यूबर हो तो तुम्हारा काम तो करना बनता है। लेकिन आप मंडे को आओ, हमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर लेने दो इसके बारे में, मंडे को करते हैं। तो अब मंडे को आएंगे यहाँ पर, और फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड से मिलने, जिनसे हमने मिलने का वादा किया था, उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में। ये देखो, ये है पार्क। यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी आ रही है यार, बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम 2 मिनट वेट करते हैं, वो आते हैं, उनसे मिलते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं। काफ़ी सुंदर है यार, बहुत अच्छी पार्क है, बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पर 2nd time आ रहा हूँ। इसके बीच में मैं आया था एक प्रोजेक्ट शूट करने के लिए, तब मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद में मैं ये 2nd time आ रहा हूँ। वैसे मैं 1st time यहाँ पर कब आया था मैं आपको बताऊँ, जब मैं 8th class में पढ़ता था ना, तब मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ यहाँ पर आया था इस पार्क के अंदर, क्योंकि उस टाइम ये बहुत बड़ी पार्क थी। अभी भी उतनी ही बड़ी पार्क है, लेकिन जब हम छोटे होते ना तब हमें छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है, तो ऐसा सीन था। और यहाँ पर एक ऊपर रॉकेट सा बना है ना, उसके ऊपर बैठने की जगह है, ऊपर चढ़ कर बैठते थे हम। अभी भी वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं, उसके बाद में हम कुछ बात बात करते हैं और कॉन्सेप्ट बैठाते हैं कुछ। ठीक है, फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ घर पे। ये हैं वो पर्सन जिनसे हम मिलना चाहते थे। ये भी भीलवाड़ा से ही है और इनका भी व्लॉगिंग चैनल है, द यूनिक कपल चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए चैनल देखिए। और ये जो मैंने वीडियो शूट की इनके साथ, एज ए प्रॉडकास्टिंग वीडियो हुई है, बहुत अच्छी वीडियो हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और इनकी वो जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वो वीडियो इनके चैनल पर अपलोड होगी। मैंने वो वीडियो अपने लिए शूट नहीं की, मैंने इनके लिए, इनके लिए की है। तो वो वीडियो इनके चैनल पर शूट होगी, अपलोड होगी, तो आप इनके चैनल पर जाके देख सकते हो। द यूनिक कपल चैनल का नाम है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिल रहा हूँ, कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। मैं हमेशा से लोगों से ये बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, कॉन्टैक्ट करते हैं और हम मिलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। क्योंकि यूट्यूब मेरा नहीं है, मेरी फैमिली का नहीं है, ना आपका है ना आपकी फैमिली का है। यूट्यूब पर हम सब क्रिएटर हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, काम करते हैं अपने यूट्यूब पर। तो ये सीन रहता है यूट्यूब पे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा कोलैबोरेशन करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के। और ये चीज़ यूट्यूब खुद बोलता है कि आप लोगों से मिलो, कोलैब करो, नई नई ऑडियंस बिल्ड करो, ये फ़ायदा रहता है। तो आप कुछ बोलना चाहते हो? वैसे इनका भी व्लॉगिंग चैनल है और ये भी एक तरह से बिगनर एक नए क्रिएटर है, जिस तरह से नया कोई क्रिएटर ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाता है उस अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि शरद भाई ने जो चीज़ बोला है ना,
कि ये मुझसे मिलना चाहते थे वो इन्होंने गलत बोला, मैं इनसे मिलना चाहता था ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। सही बात है, कोलैबोरेशन से ग्रो काफ़ी ज़्यादा होता है, यूट्यूब बोलता भी है। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देते हैं यूट्यूब पर, उनके चैनल्स पर जाके जब आप देखोगे तो वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मिलो। एक चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो चीज़ उन्होंने मुझे बताया अभी और आपको भी इसी वीडियो में बताया उन्होंने, कि YouTube खुद बोल रहा है बिल्ड करने के लिए, और जितना ज़्यादा आप इस प्लेटफॉर्म पे आके मिलोगे एक दूसरे से, वीडियो क्रिएटर्स जो भी हैं एक दूसरे से कोलैबोरेट करके नए नए ऑडियंस को बिल्ड करेंगे, वो उनके चैनल के लिए ही नहीं आगे भी बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा करता है। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मोनेटाइजेशन मिल रहा है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। तो उस बेस हिसाब से आप अभी कोलैबोरेट करके अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि शरद भाई के बारे में इस चैनल पे अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है। सिंगल कॉल किया मैंने, सिंगल कांटेक्ट किया इनसे, इन्होंने खुद आगे से रिप्लाई करके मुझे अपना नंबर सेंड किया, और हम लोग एक दूसरे से मिलके अभी आपके सामने मिल रहे हैं। आपको भी मन है आप मिल सकते हैं हमसे, कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। मेरे लिए मैं बोलना चाहूँगा आप कमेंट में बॉक्स में भी लिखिए, मैं खुद कांटेक्ट करूँगा आपसे। और हाँ, एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक मैं नंबर नहीं दे पाता हूँ आप, मैं जब भी फ्री होऊंगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं नंबर दूंगा। बहुत सारे कुछ हमीरगढ़ से है, 20-20 किलोमीटर रेंज से हैं, बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आप इंस्टाग्राम पर बात तो करो आके, हम नंबर भी शेयर करेंगे, वहाँ पर नंबर भी शेयर कर दूंगा अगर मैं उस लोकेशन पे हूँ। एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर आओ, हम जो इंसान इंस्टाग्राम पर आता है ना, वो मुझे याद रहता है कि हाँ ये पर्सन यहाँ से है, जब मैं नेक्स्ट टाइम इस लोकेशन पे जाऊँगा इस पर्सन से मिलने की कोशिश करूँगा। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनसे मैं मिला हूँ, बहुत सारे मेरी खुद की यूट्यूब फैमिली है, मैं उनसे मिला हूँ। सो फाइनली अभी बज रहे हैं, आई थिंक 3 बज रहा होगा, है ना, आराम से 3 बज रहा होगा। हम 12:30 बजे मैं निकला था इनसे मिलने के लिए, 12:30 से 3 बज रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए मिलकर। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने शेयर की, एक्सपीरियंस शेयर किया इस अकॉर्डिंग। तो अभी टाइम हो गया घर जाने का, मैंने खाना ना भी नहीं खाया, तो ऐसा करते हैं अब घर चलते हैं और अगली बार ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली मिलूँगा, मुझे बहुत सीखने को मिला, मुझे मिलने को मिला, बहुत चीज़ें शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं घर पहुँचते फिर मिलते हैं, क्योंकि एक म्यूज़िक बज रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम घर पे आए हैं, ये आंटी जी का कार्ड आया है शादी का मैं जैसे आया वैसे मुझे ये कार्ड मिला, 8 दिसंबर 2022 की शादी है। आंटी जी को मैं मेल कर लूँगा, व्हाट्सअप कर दूँगा, उनको पता चल जाएगा 8 दिसंबर को शादी है, वो भी शादी में गए हैं अहमदाबाद। तो घर पे पहुँच गए, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। अभी बज रहे हैं 5, तो आज हम मिल के आ गए और खाना ना भी खा लिया। और आज एक और सीन हुआ है कि लाइक यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर एक और पर्सन है जिन्होंने हमें, जिनसे मैं यूट्यूब पर ही मिला था, काफ़ी टाइम से हम कनेक्ट हैं यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आज वो भीलवाड़ा आए थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेज किए कि लाइक मैं भीलवाड़ा आया हूँ, भीलवाड़ा आ रहा हूँ, तो मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलना है। बट दिक्कत ये रही कि मैं सुबह यहाँ से निकल गया था मिलने के लिए, ठीक है, और उसके बाद में बीच में मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन करके देखा ही नहीं, जिसकी वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो वो कल फिर वापस आ रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि कल मैं वापस भीलवाड़ा आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप कल आ जाओ और कल मैं आपसे मिलने आऊँगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मिलने के लिए, मैं जिनसे भी मिल सकता हूँ मैं मिलने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, कि लाइक मेरा तो कोई नुकसान नहीं जा रहा, ठीक है, अगर आपको मिलके अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलके अच्छा लग रहा है, तो मैं मिल लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो ऐसा करते हैं कल हम किसी नए पर्सन से मिलेंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। उनसे मिलने के लिए मुझे MG हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में काम है। तो मैंने कहा आप यहाँ आ जाना MG हॉस्पिटल, तो मैं वहीं पर आ जाऊंगा आपको, आप अपने काम करना, वहीं पर आके मिल लूँगा। वरना वो यहाँ आएंगे, यहाँ तो उनको लोकेशन भी नहीं पता है, क्योंकि वो 25 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, तो भीलवाड़ा उनका कभी कदार आना जाना होता है, कुछ काम वाम होता है उस अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। और ये आए हैं पर्सन एक, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये आज ही आए हैं, ये कम से कम 10-15 दिन से गायब थे, अब ये यहाँ पर आए हैं, इनके बड़े भाई आए हैं। तो हम कुछ प्लानिंग हमने डिस्कस की थी इनके बड़े भाई के साथ, छोटे मतलब थोड़े बड़े हैं इनसे बस, तो वो करना है। तो आज के लिए हम ऑफ करते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक अच्छा सा कमेंट करो। तुम्हें कुछ बोलना है?
नहीं बोल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने इनको बोला तुम वीडियो में भी आ सकते हो और बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब जानते हैं। मुझे एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है भीलवाड़ा में जो मेरी हेल्प कर सकता है यूट्यूब पर। मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है भीलवाड़ा से रिलेटेड, भीलवाड़ा में लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पर्सन चाहिए जो शूट करा सके।